प्रिय दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9425308111 है। बहुत से मित्रों का फरमाइश आया है कि अप्रैल 2018 में हमारी राशियाँ क्या बोल रही हैं, उसके बारे में आज मैं बता रहा हूँ। आप मेष राशि से लेकर मीन राशि तक अप्रैल 2018 आपके लिए कैसा रहेगा, आप लोग ध्यान से अपने राशियों को सुनिए और आनंद लीजिए। कोई दिक्कत हो तो हमसे बात करिए। मेष राशि वालों के लिए अप्रैल माह बहुत अच्छा है। रुके कार्य में सफलता मिलेगी, सोचे कार्य में सफलता मिलेगी। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा अच्छा होगा, बेरोजगार हैं तो रोजगार का साधन बनेगा और उन्नति होगी। वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल 2018 भी बहुत अच्छा है। इसमें उनको धन की प्राप्ति होगी, रुके धन की प्राप्ति होगी, भ्रमण योग बनेगा, निर्माण कार्य होगा, जमीन जायदाद का भी कार्य होगा। मिथुन राशि जिस सज्जन का है उनके लिए अप्रैल माह थोड़ा कष्टकारक है। उनके स्वास्थ्य पर में गड़बड़ी आएगी, दिमागी चिंता रहेगी, अकारण धन की हानि होगी, बने काम में रुकावट आएगी। कर्क राशि वालों का अप्रैल 2018 मिला जुला है, कम बने काम में रुकावट लाएगा, छोटे छोटे कार्य में परिश्रम करना पड़ेगा, पारिवारिक समस्या आएंगी, दौड़ धूप अधिक करना पड़ेगा, बेमतलब का विवाद होगा। सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल 2018 बहुत लाभदायक है। शिक्षा विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में, बेरोजगार हैं तो नौकरी में, व्यापारी हैं तो व्यापार में, रुके धन की प्राप्ति सफलता मिलेगी। कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल 2018 बहुत ही अच्छा है। इसमें शत्रु और विजय पाएंगे, केस मुकदमा है तो उसमें सफलता मिलेगी, रुके धन की प्राप्ति होगी और बने हुए कार्य में भी इनको रुकावट नहीं रहेगी, लाखों रुपए की प्राप्ति होगी। तुला राशि वालों के लिए अप्रैल 2018 बहुत अच्छा है। कुंवारे हैं तो इनके शादी का योग बनेगा, पारिवारिक विवाद है तो सुलझेगा, कर्जदार हैं तो कर्जे में राहत मिलेगी, नौकरी वाले हैं तो उन्नति होगी, व्यापारी हैं तो व्यापार में उन्नति होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल माह थोड़ा कष्टकारक है। स्वास्थ्य में गड़बड़ी होगी, पारिवारिक विवाद होगा, संतान से कष्ट होगा, मानसिक पीड़ा रहेगी, स्वास्थ्य में गड़बड़ी रहेगा। धनु राशि वालों के लिए अप्रैल 2018 अक्षमातिक पद की प्राप्ति होगी, पदोन्नति होगी, वाहन सुख मिलेगा, आर्थिक लाभ होगा और रोजगार के साधन बनेंगे। मकर राशि वालों के लिए अप्रैल 2018 अच्छा नहीं है। इनके धन की बर्बादी होगी, नौकरी में उलझन आएगा, व्यापारी हैं तो व्यापार में उलझन आएगा, विद्यार्थी हैं तो इनका रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा और कुमारे हैं तो उनके शादी में रुकावट आएगी। कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल 2018 भी अच्छा नहीं है। इनको दौड़ धूप अधिक करना होगा, बने काम में रुकावट लाएगा, धन की हानि होगी, स्वास्थ्य में गड़बड़ी होगा, पारिवारिक विवाद होगा, केस मुकदमा में हारने का भी योग। मीन राशि वालों के लिए अप्रैल 2018 बहुत सुंदर है। मीन राशि वाले रुके कार्य में सफलता पाएंगे, आर्थिक उन्नति करेंगे, शुभ कार्य करेंगे, रुके कार्य में सफलता पाएंगे, रुके धन की प्राप्ति करेंगे और नौकरी में शुभ समाचार आएगा। बेरोजगार हैं तो नौकरी धंधे की प्राप्ति होगी, कुंवारे हैं तो शादी विवाह की भी संभावना है, अस्वस्थ हैं तो स्वास्थ्य लाभ होगा। दोस्तों, 12 राशि का अप्रैल 2018 मैं बहुत छोटा सा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया।
इसको आप लोग सुनिए, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो उनसे बात करिए। नमस्कार।